हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ऋचा। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि ये जब होली हो जाती है हम लोग क्लीन कर लेते हैं अपने फेस को, और टाइम बहुत मतलब उसमें निकल जाता है कि साफ़ सफाई हो गई है, बहुत क्लीनिंग। जो मेरे आगे दो वीडियो मैंने बनाए हैं स्किन केयर के, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये क्यों बनाया है और ये किस लिए मैं बनाई हूँ। क्योंकि सभी लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती हो जाती है उसके बाद, और सन के वजह से डैमेज भी थोड़ी हल्की फुल्की हो जाती है। तो इससे आपकी डेफिनेटली एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। जो आपके ओपन पोर्स थे वो क्लीन हो चुके हैं, तो उनको आपको टाइट भी तो करना है ना। तो उसके लिए मैं एक चीज़ लाई हूँ जो होम रेमेडीज है, वो बहुत ही अच्छी है। वो आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मैंने ये आप लोगों को कैसा लगा। और मैंने इसलिए भी बनाई है ये, क्योंकि सभी लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो रोज़ रोज़ पैक बनाएं और फिर लगाएं। इसलिए मैंने पहले से ही इसको, आप लोग 7 डेज़ के लिए आप बना सकते हैं इसको, 7 डेज़ के लिए आप बना के रख लीजिए और आप रोज़ इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन पर। चलिए देख लीजिए इसको बनाना कैसे, फिर बताती हूँ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके लिए। इस क्यूब के लिए हमें चाहिए ये एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा है ये, मैंने एक लीव लिया है, और एक टमाटो चाहिए। इसको दोनों को मैंने धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर आपको इसको छोटा छोटा सा काट के अंदर से इसका जेल निकाल लेना है। आपको अच्छे से इसको जेल निकाल लीजिए, इसमें डालेंगे जार में और ब्लेंड करना है फिर मुझे इस तरह से। इस निकाल लेंगे हम लोग। आपको आइस क्यूब के लिए अच्छे से आपको धुली वाली ट्रे भी लेनी होगी, आइस क्यूब ट्रे। अच्छे से सब चीजें वॉश होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये फेस पे अप्लाई करना है इसलिए। जेल को आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, अच्छे से ब्लेंड करना है फिर इसको। ये देखिए, मैंने टमाटो और एलोवेरा का जेल ले लिया है। अब मैं इसमें मुल्तानी मिट्टी डालूंगी, पुलरदर। ये आपके फेस को एकदम क्लीन करेगी और जितना भी आपका ऑयली निकलता है वो सब नहीं होगा। तो इसको मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको इसमें डाल ले रही हूँ एक बाउल में, बाद में इसमें मिक्स कर लूंगी। बस इतना ही लूंगी और लूंगी रोज वाटर। ये मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आप कहेंगे कि आपको भी देखना है किस तरह बनाया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगी कि ये मैं कैसे बनाया मैंने। ये देखिए, इसको मैं
ये अच्छे से इसके साथ पिस जाएगा, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। टमाटर तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा होता है हमारे फेस के लिए, इसमें एसिडिक होता है तो हमारा फेस एकदम क्लीन हो जाएगा इससे। चलिए मैं इसको ब्लेंड करके लाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, ये देखिए कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है। अब मैं फुलर जरत में इसको मिला दूंगी। इसका आपको ऐसे पेस्ट बनाना है जैसे कि अच्छा अच्छे से इसमें जमाना है आपको, क्यूब्स बनाने, आइस क्यूब्स, तो उसी हिसाब से आपको बनाना है। इससे आपका फेस एकदम जो पोर्स होते हैं वो एकदम वो टाइट हो जाएंगे और अच्छे रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपके पेस्ट थोड़ा थिक है तो आप इसमें रोज़ वाटर डाल सकते हो, ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके फेस के लिए, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपके जो ओपन पोर्स होंगे धीरे धीरे बहुत सी ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे अगर ये आप रोज़ अप्लाई करेंगे। ये आपको 7 दिन का, 7 डेज के लिए आप बना के रख लीजिए। आपको ज़्यादा बिजी रहते हैं आप, रोज़ रोज़ कोई पैक नहीं बना सकते, तो इसको 7 डेज के लिए बना कर रख लीजिए फ्रिज में आराम से। मुझे इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर और दूंगी मैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी आइस क्यूब ट्रे में। मैं इसको अच्छे से वॉश कर लिए, आप भी अच्छे से वॉश करके ही रखिए, क्योंकि आपको फेस पर लगाना कोई भी चीज़, अगर आपको अपने स्किन पे कोई चीज़ यूज़ करनी है तो अच्छे से आपको रखनी है, क्लीन होनी चाहिए हर एक चीज़, नहीं तो आपके फेस पे किसी भी तरह के दाग हो जाएंगे या निशान पड़ जाएंगे, फुंसियाँ होने का डर होता है, इन्फेक्शन होने का डर होता है, इसलिए। एलोवेरा से आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट एंड बढ़िया अच्छा सा रहेगा आपका फेस, एकदम क्लीन एंड क्लियर। ये देखिए, मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसको यूज करना है। तो देख लिया है आप लोगों ने कि बनाया कैसे है मैंने, ये किस तरह से बनाना है। और ये मैंने ये ले लिया है, ये देखिए आइस क्यूब बनाया है मैंने, और ये बहुत ही अच्छा है। ये आपको कपड़े में डाल के ही आपको यूज़ करना है, इस तरह से आपको यूज़ नहीं करना है। एक ये हैंकी ले लीजिए और आपको इस तरह से हल्के हाथों से, आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन से जितना भी जो आपको मॉइस्चर चाहिए अपने फेस के लिए वो नहीं आपको मिलेगा, वो भी इससे वो खींच लेगा ये क्यूब, इसलिए आपको इसके बेनिफिट्स भी मिल जाएं और आपको आपका जो मॉइस्चर है वो भी ना निकले, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसको आपको लगाना है बहुत ही अच्छे से, इसको ऐसे ऐसे रगड़ते रहिए, तो आपके जितने जहाँ पर आपको ज़्यादा ओपन पोर्स हो आप वहाँ पर इसको ज़्यादा अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो आपके ओपन पोर्स होंगे वो इससे धीरे धीरे श्रिंक हो जाएंगे। और जो इसका जो इसमें मैंने डाला है मुल्तानी मिट्टी, उसका भी आपको जितना भी ऑयल जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा इससे। और टमाटो भी डाला है मैंने इसमें, तो टमाटो से आपकी जितनी स्किन डैमेज हुई होगी, सन टैन हुई होगी, सनबर्न हुई हल्की फुल्की होली की वजह से, तो वो भी आपकी निकल जाएगी इससे हल्की फुल्की जो हुई होगी। और मैंने जो इसमें एलोवेरा डाला है उसका तो मैंने बेनिफिट्स बता ही दिया है कि आपकी स्किन को सूट करता है, अच्छे स्किन में सॉफ्ट बना देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। और मैंने इसमें सिर्फ वो वाला पानी जो वाइट जो सादा पानी होता है वो मैंने नहीं यूज़ किया है, मैंने इसमें सिर्फ रोज़ वाटर ही यूज़ किया है, क्योंकि इसका बेनिफिट्स भी आपको मिल सके, इसलिए मैंने इस चीज़ को यूज़ करके लिया है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसको ऐसे ऐसे रफ करते रहिए और इसको आप पहले से ही बना के रख लीजिए 7 डेज के लिए, आपको रोज़ रोज़ फेस पैक नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि फेस पैक बनाने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, सभी लोग नहीं बना पाते हैं रोज़ रोज़, तो इसलिए इसको आप पहले से ही बना के इस तरह से रख लीजिए और आप इस तरह से इसको
रब करते रहिए। और जब ये 10 मिनट बाद जब ये पूरा सूख जाएगा, पूरा घुल जाए अच्छे से, आपकी मसाज हो जाए यहाँ पर अच्छे से, फिर इसको आप 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट्स बाद आप देखेंगे, फिर आप इसको हल्के पानी से, सादा पानी से आप वॉश कर लीजिए। और मेरे जो वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, इससे पहले जो मैंने बनाए हैं वो वाले आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये आपके लिए ये कितना अच्छा बनाया है, यूज़फुल है आपके लिए। मैं भी इसको ट्राई कर रही हूँ, बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, और अब मुझे तो वैसे है नहीं, लेकिन जिसको रहते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसके बाद आप कहीं मेकअप भी करेंगे तो आपका इतनी जल्दी नहीं जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहेगा, इसलिए आप इसको ज़रूर बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लगा लिया है, अब मैं बाद में निकाल दूंगी इसको, ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन कीजिए, क्योंकि मोटिवेट करने से आपके और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ, और मैं और सर्च कर रही हूँ कि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। और आप किस तरह की वीडियोज़ मेरे साथ देखना चाहते हैं मेरे से, कि मैं रिव्यू करूँ किसी प्रोडक्ट का, या फिर या DIYs देखना चाहते हैं, या मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड जो रेसिपीज होती हैं वो दिखाऊं, आप किस तरह का या ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।